हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं ये सिल्वर शिमर कट क्रीज आई मेकअप शेयर करूंगी जिससे आप पार्टी लुक्स पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट मैं नेक्स कंसीलर को स्मॉल अमाउंट पे अप्लाई कर लूंगी लीड पे देन एक डेंस ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि सारे पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड हो जाए एंड एक क्लीन कैनवास प्रोवाइड हो सके सो so, इसे मैं इवनली ब्लेंड कर लूंगी फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से कंसीलर को लाइटली सेट कर लूँगी ताकि बेस रिमूव ना हो एंड साथ ही कोई क्रीजिंग भी ना हो नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई पैलेट को यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर पूरे क्रीज पे प्लेस करके ब्लेंड कर लूँगी एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ताकि ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो सके एंड इसे मैं बैक एंड फोर्थ टेक्निक के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी देन मैं शेड को थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप कर लूँगी ताकि क्रीज एरिया को एक अच्छा सा डिफाइन लुक प्रोवाइड हो सके एंड साथ ही मैं शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड इसके बाद मैं ये दो शेड डीप ब्राउन एंड डार्क ब्राउन को मिक्स करके मेरे नेचुरल क्रिज लाइन पर डिपॉजिट करूंगी एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड स्लोली मैं शेड को बिल्डअप कर लूँगी ताकि क्रिज लाइन को एक अच्छा सा डेप्थ प्रोवाइड हो सके और साथ ही मैं शेड को ट्रांजिशन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि दोनों शेड के बीच का जो लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना रहे उसके बाद मैं ब्लैक शेड को स्मॉल अमाउंट पे लेकर आ, सेम वे पे क्रीज लाइन पे प्लेस करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि क्रीज लाइन को थोड़ा और डेप्थ मिल सके एंड साथ ही मैं शेड को इंटेंसिफाई कर लूँगी थोड़ा फिर मैं सेम फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से सारे शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टाइम लेकर ताकि सारे शेड का जो एजेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के साथ एंड कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना रहे नेक्स्ट मैं अलिगर्ल प्रो कंसीलर इन दिस शेड वाइट को फ्लैट ब्रश पे लेकर लैश लाइन के क्लोज इस तरह से प्लेस करूंगी स्मॉल अमाउंट पे एंड मेरे नेचुरल क्रीज लाइन पे मैं इस तरह से गाइड लाइन क्रिएट कर लूंगी सो so, इससे कट कटक्रीज का जो लाइन है उसे क्रिएट करने में बहुत ही ईजी होता है बिगनर्स को फिर मैं हाफ कट कटक्रीज का जो लाइन है उसे मैं क्रिएट कर लूंगी इस लाइन को गाइड करते हुए एंड बाकी कंसीलर को मैं लिड पे अप्लाई करके अच्छे से सेट कर लूंगी देन मैं फिंगर के हेल्प से कंसीलर के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि आउटर कॉर्नर पे शेड अच्छे से प्लेस हो सके अगेन मैं ब्लैक शेड को लेकर आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर लूंगी एक स्मजर ब्रश के हेल्प से एंड थोड़ा थोड़ा करके शेड को मैं बिल्डअप कर लूंगी और साथ ही मैं कंसीलर के साथ इसे मर्ज कर लूंगी हाफ मिड एरिया तक जग्जैक्ट टेक्निक के हेल्प से देन मैं ये सिल्वर शिमर शेड को लेकर पूरे लीड पे प्लेस करूंगी एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड स्लोली मैं शिमर शेड को बिल्डअप कर लूँगी इंटेंस शो करने के लिए फिर मैं शेड को ब्लैक शेड के एजेस के साथ अच्छे से मर्च कर लूँगी एंड फिर से एक बार मैं ब्लैक शेड को रीअप्लाई करके सिल्वर शिमर शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि दोनों शेड के बीच का जो लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए इसके बाद मैं मार्स लिक्विड आई शेडो इन द शेड मून ग्लो जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा शिमर शेड है इसे मैं फिंगर के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके हाफ मिड लीट पे प्लेस कर लूंगी जिससे कि एक ब्यूटीफुल सा ग्लिटरी एंड शाइनी लुक प्रोवाइड होगा देन मैं मार्स का व्हाइट कोल पेंसिल से वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूंगी जिससे कि आईज बिग एंड ब्राइटर दिखे एंड ये कोल पेंसिल काफी पिगमेंटेड है साथ ही स्मूथ है आइज पे एंड अगेन मैं डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड को लेकर लोअर लैश लाइन के क्लोज प्लेस कर लूँगी एक फ्लैट स्मजर ब्रश के हेल्प से ताकि लोअर लैश लाइन को एक डिपनेस प्रोवाइड हो एंड फिर मैं पेंसिल ब्रश के हेल्प से डार्क शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस विजिबल ना हो उसके बाद मैं मार्श जशन श्रृंगार पैलेट से ये वाइट शेड को लेकर ब्राउब एन इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी जिससे कि थोड़ा कॉर्नर्स हाईलाइटेड दिखे देन मैं लैशेज को अच्छे से कर्ल कर लूंगी एंड एसेंस प्रिंसेस लैस मस्कारा से अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी लेंथ एंड वॉल्यूम के लिए एंड ये मस्कारा काफी अच्छा वॉल्यूम एंड लेंथ प्रोवाइड करता है एंड साथ ही मैं ऑफ कैमरा फॉल्स लैशेस को भी अप्लाई कर लूंगी सो दिस इज द फाइनल कम्पलीटेड लुक आई होप आप सभी को ये लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा सी यू नेक्स्ट टाइम इन ब्रांड न्यू वीडियो टिल देन बाय गाइज